केंद्र हम चल रहे थे। 12th क्लास का हमारा टॉपिक चल रहा था, 4th लेसन की हम बात कर रहे थे कृषि, जिसमें प्राथमिक व्यवसायों की बात कर रहे थे। और प्राथमिक व्यवसाय के अंदर हमने अब तक की जो चर्चा की थी वो था कि मानव ने किस प्रकार से अपने जीवन यापन से लेकर के और वर्तमान में धनोपार्जन यानी जीविकोपार्जन से लेकर के धनोपार्जन तक की जो प्रक्रियाएँ की हैं वो किस प्रकार से की हैं वो हमने देखा। हमने जाना कि सबसे पहले का जो मानव था वो आखेट करता था, फिर धीरे धीरे उसने भोजन संग्रहण करना शुरू किया, उसके साथ ही उसने पशुचारण की बात की। पशुचारण के बाद में वो क्या करेगा, आगे चल करके स्थानांतरण कृषि करेगा। स्थानांतरण कृषि के बाद में धीरे धीरे कृषि का विस्तार होगा। तो हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे कि कृषि के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार की कृषि होती है। फिर हमने निर्वहन कृषि और गहन कृषि दोनों का ही जो है डिफरेंस चेक किया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सॉरी, गहन कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में हमने डिफरेंस किया, दोनों के अंदर डिफरेंस चेक किया किस प्रकार से होती है कि एक तरफ हमें श्रम की ज़्यादा आवश्यकता है, दूसरी तरफ हमारे पास में यंत्रों मशीनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमने मिश्रित कृषि जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों को बराबर लेवल पर देखा जाता है, और उसके साथ में कंपैरिजन किया था डेयरी फार्मिंग का, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में क्या होता है केवल और केवल पशु उत्पादों पर ध्यान दिया जाता है, पशुओं को व्यापार के रूप में उनका व्यापार किया जाता है, पशुओं का उनसे उत्पाद जो पैदा होते हैं उनका व्यापार किया जाता है। तो मिश्रित कृषि और दूसरा हमारे पास में डेयरी फार्मिंग, तो इस प्रकार से हमने इसको अलग किया। फिर हमने रोपण कृषि के बारे में देखा कि इसमें भी क्या है, यंत्रों की आवश्यकता होती है, और रोपण कृषि जो है वो यूरोप वासियों की देन है। चलिए, हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था ट्रक फार्मिंग पर। ट्रक फार्मिंग इस प्रकार की फार्मिंग है कि देखो उसमें होता क्या है कि हम जिस माध्यम से वो वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं वो माध्यम हमारा ट्रक है, क्योंकि हमें साग सब्जियां जो होती हैं, फल फ्रूट जो होते हैं, वो लंबी दूरी तक हमें पहुंचाने होते हैं, क्योंकि देश के हर कोने में साग सब्जियों की आवश्यकता है, फल फ्रूटों की आवश्यकता है। परंतु उस जगह पर वो फल फ्रूट नहीं मिलेंगे, सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो वो सब्जियां कहीं और से आएंगी, और जब कहीं और से आएंगी तो उसे किसी ना किसी माध्यम से, साधन से लेकर के आना पड़ेगा। तो हम लेकर के आएंगे ट्रक के माध्यम से। तो इसीलिए ऐसी कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है जो तत्काल थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अब सब्जियां हैं, अगर सब्जियां सुबह सुबह ना पहुंच करके दोपहर में पहुंचे तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, दोपहर में कोई खरीदने नहीं आता, क्योंकि सुबह सुबह मंडी में जाते हैं लोग ताज़ी सब्जियां खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से इसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो देख लेते हैं, बाजार के लिए सब्जी खेती, सब्जी खेती या उद्यान कृषि, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। अब इसमें होता क्या है, कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है और इनकी प्रतिदिन की मांग होती है। जो फसलें होती हैं दूसरी, उनकी तो क्या होती है, एक टाइम पर मांग आती है, परंतु ये प्रतिदिन मांग होती है, नई नई चीज़ अपने को प्रतिदिन, नई ताज़ा हमें सब्जियाँ चाहिए, इसीलिए बहुत जल्दी ये ग्राहक तक पहुँचना भी आवश्यक होती है। कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और खेत जो होते हैं वो अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्र से जुड़े होते हैं, जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। नगरों में कौन रहते हैं, जिनके पास में ऊंची आय है, यानी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि शहरों में तो ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, तो शहरों के जो लोग हैं ज़्यादा पैसे वाले हैं, ताज़ा सब्जी के लिए और ज़्यादा पैसा देंगे, इसीलिए उच्च आय के लिए, अच्छी मुद्रा कमाने के लिए, अच्छी आय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। परंतु इसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है कि भी अगर हमने सुबह ना पहुँच कर कहीं ट्रक का टायर पंचर हो गया और हम दोपहर में पहुँचे, शाम को पहुँचे, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। रिस्क भी है परंतु आय भी अच्छी है। तो इसमें क्या होता है, गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम, गहन श्रम और अधिक पूंजी, प्रत्येक एक जैसे वो होती है ना, उसकी बेल होती है, कोई भी सब्जी होती है उसकी जो बेल होती है उसको अच्छे तरीके से निहारना पड़ता है, अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखना पड़ता है, और प्रत्येक बेल में से ढूंढ ढूंढ करके सब्जियों को काटा जाता है। इसीलिए गहन श्रम, बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता है, और इसके बदले में भी बहुत अधिक पूंजी प्राप्त होती है। अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह और शीत क्षेत्रों में कृत्रिम तापमान का भी हमें आवश्यकता पड़ती है। जो आपने देखे होंगे हरित गृह जो होते हैं, ग्रीन हाउस जो होते हैं, वो कहाँ पर, शीत क्षेत्रों के अंदर कृत्रिम ताप प्रदान करते हैं, तो इस कृषि में उपयोग होते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अब ध्यान रखिएगा कहाँ पर होती है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है।
ये तो मुख्य पॉइंट दे दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर होती है। हालांकि प्रत्येक नगर के, प्रत्येक नगर का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वहाँ पर ये कृषि होती है, क्योंकि हर नगर को सब्जी की आवश्यकता है। तो हर नगर के साथ में जहाँ पर भी खेत खलियान होंगे वहाँ पर आपको साग सब्जियाँ ही देखने को मिलेंगी। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो उस क्षेत्र में अधिक ये जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, ये अपना विशेष स्थान रखता है पुष्प उत्पादन के अंदर। यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप, ट्यूलिप क्या होता है, एक प्रकार का फूल होता है, अभी ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। ट्यूलिप कहाँ पर होता है, नीदरलैंड के अंदर होता है। तो ये बहुत अच्छा पुष्प उत्पादन का इनका व्यवसाय है, जहाँ पे ट्यूलिप नाम का एक फूल पैदा होता है और उसको हर जगह भेजा जाता है। जैसे यहाँ पे अपने रोज़ाना सुबह मंदिर जाने जाते समय हम फूल ले जाना पसंद करते हैं कि भी हमें फूल लेकर जाना चाहिए, तो वो क्या है, फूल उस जिस फूल को अच्छा माना जाता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर इस फूल को अच्छा माना जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो खेती करने वाले को भी फायदा होगा। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है, ट्रक कृषि, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा जाता है। अब क्या होता है कि जरूरी तो नहीं है कि बिल्कुल नगर के बाजू में ही किसी का खेत हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो मतलब कि दिन भर सब्जियां तोड़ेगा और रात में उसको एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि दूसरी जगह पर भेजना है तो वो दूसरी जगह पर भेजना है तो वो तो ट्रक के माध्यम से ही मुमकिन है, इसीलिए इसका नाम जो है वो ट्रक फार्मिंग रखा गया। क्योंकि पहले ये नाम कब का रखा हुआ है, ये पहले टाइम का नाम रखा हुआ है, अब का नहीं है। तो पहले टाइम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा, अब पिकअप डाले वगैरह ये जो थी ये तो बातें अब की हैं, तो पहले बड़े बड़े ट्रक होते थे, और दूसरी बात खेत खलियान भी बहुत दूर होते थे, मतलब कि ये 10 नगरों के बीच में जो जगह थी वो स्थान 10 नगरों को सब्जियां भेजता था तो वो ट्रक के माध्यम से ही भेज पाता था, रात भर ट्रक पहुंचते थे, इसीलिए उसका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है, क्लियर। तो ये मैंने आपको सिंपल भाषा में भी कल बता दिया था, आज भी हमने इसको अच्छे तरीके से देख लिया है, क्षेत्र हमने देख लिए इसके कौन से क्षेत्र हैं, लास्ट में हम एक मैप भी देखेंगे जिस पर हम सारे प्रदेश करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, इसके बाद में कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है। संगठन मतलब कि उसको कर कौन रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में, अपने निजी खेत के अंदर कृषि कर रहा है तो हम उसे कहेंगे निजी या व्यक्तिगत, वो कहलाएगी कृषि कहलाएगी, परंतु उसमें कोई संस्था नहीं है या कोई संगठन नहीं है, तो अगर हम दो लोगों का जो खेत है वो मिलकर के काम करें, दो लोग चार लोग मिलकर के अपने खेत को पूरा एक खेत बना लें, पहले काम करें, हालांकि वो खेत अलग अलग लोगों के नाम पर है, ए बी सी डी, इन चारों के पास में चार चार बीघा जमीन है, चार चार एकड़ जमीन है, तो वो क्या है 16 एकड़ की जमीन हो जाएगी, तो 16 एकड़ की जमीन होगी चारों लोग मिलकर के करेंगे तो उनको अलग अलग चार ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, वो एक ट्रैक्टर से काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से की जाने वाली कृषि को हम क्या कहेंगे, तो देखिए जरा, एक होती है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में क्या होता है, जब कृषकों का एक समूह अपने कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें होता क्या है, व्यक्तिगत फार्म अक्षुण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है, व्यक्तिगत फार्म। निजी जो फार्म है, ए बी सी के बाद में जो भी एकड़ जमीन थी, ए बी सी डी, इनके पास में जो भी चार चार एकड़ की जो जमीन है, अब इसमें मालिकाना हक तो इनका अपना अपनी अपनी जमीन पर रहेगा, परंतु सहकारी कृषि में क्या होता है, ये इनके मालिक नहीं है, अब इन्होंने एक संस्था बना ली, अब इसका मालिक कौन है, इस 16 एकड़ जमीन का मालिक कौन है, वो संस्था है, वो संगठन इसका मालिक है जिसमें ये लोग सदस्य होंगे। हालांकि जमीन इन्हीं की रहेगी, जैसे ही वो एक एग्रीमेंट बनेगा कि इतने साल तक हमें एक ग्रुप में मिलकर के ग्रुप स्टडी करनी है, वैसे ही ग्रुप में अपने को क्या करना है, कृषि करनी है, तो एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट खत्म होते ही ये अपनी अपनी जमीन अपने अपने इनके कब्जे में रहेगी, क्लियर। इस प्रकार से होता है, सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है, यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने,
कृषि उत्पाद, अब जब संस्था होगी तो उसको हर जगह पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि संस्था जो होती है वो रजिस्टर हो जाती है, रजिस्टर होने के बाद में फिर उसको सरकार से वो एक पारदर्शिता हो जाएगी, तो सरकार उसको बढ़ावा देगी उस चीज़ को। और दूसरी बात, सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी जो थी वो पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेनमार्क, ध्यान रखिएगा डेनमार्क जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो सहकारी कृषि करता है। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, देखो आगे आपके सामने, सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली है, डेनमार्क में मिली है, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहाँ व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। तो मतलब इस प्रकार से दो लोगों ने, एक गाँव के, जो गांव के 50 लोग थे या 100 लोगों के पास में जो ज़मीन अलग अलग थी, और उनके पास में उनको ज़मीन को जोतने के लिए 100 ट्रैक्टर थे, 100 ट्रॉलियां थी, 100 मतलब इस प्रकार से अलग अलग था जिनके पास में, जब उन्होंने एक सहकारी समूह बना लिया, एक संस्था बना ली, तब उनका काम 10 ट्रैक्टरों से चल रहा है, तो कितना 90 ट्रैक्टर जो है उनका जो खर्चा था वो बच गया। तो इस प्रकार से ये कर्जा मुक्त होने की भी एक टेक्निक होती है। तो ये कहाँ पर चलती है, ये विकासशील देशों या अविकसित देशों में नहीं चलती है, वहाँ पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, ये विकसित देशों में चलती है। तो विकसित देश ये आपके सामने है, यूरोप महाद्वीप सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप, और इसके सभी देश लगभग विकसित हैं। अब बात करते हैं सामूहिक कृषि, अब सामूहिक कृषि किस प्रकार की होगी। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित तो होता है। कृषि का यह कार्य, यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि, आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है, सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या है, हालांकि जो बात अपन यहाँ पे कर रहे थे वो सारी की सारी बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे नजर आएगा। तो पहली बात तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, चारों लोग मिलकर के एक संस्था बना रहे हैं, तो अब उस पर मालिकाना हक इन चारों का नहीं है, वो संस्था ही पूरा काम करेगी, वो पूरी देखरेख करेगी, और जो उसका उत्पादन होगा या तो उसमें से इनको हिस्सा दे दिया जाएगा या पहले से ही इनको हिस्सा दे दिया जाएगी, आपको आप इतने पैसे पकड़ो, इतने रुपए पकड़ो और ये हमें ज़मीन अपनी लीज पर या ठेके पर दे दो इतने साल के लिए, और हम इस पर जो है वो उत्पादन करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक संस्था ना बना करके दो लोग, चार लोग एक समूह बनाते हैं, और वो मिलकर के एक परिवार में, ए के परिवार में चार लोग हैं, बी के परिवार में तीन लोग हैं, इसके दो लोग हैं, इसके परिवार में एक लोग हैं, तो कुल मिलाकर के ये जितने भी लोग हैं ये उस क्षेत्र पर श्रम करेंगे, खुद ही श्रम करेंगे, खुद ही मजदूरी करेंगे, वहाँ पे खुद अपने अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे, मिलकर के प्रयोग करेंगे, और जो भी बाद में उसका उत्पादन होगा उसका बंटवारा भी उसी अनुपात में हो जाएगा कि किस घर से कितने व्यक्तियों ने काम किया और कौन से घर से कितने व्यक्तियों ने काम किया। ये सामूहिक है, यानी कि एक समूह बना लेना, यानी एक प्राइवेट समूह बना लेना, और ये सहकारी है, यानी सहकारी यानी इसमें अर्ध सरकारी की बात आ जाती है, सहकारी अर्ध सरकारी हो जाता है, तो इसमें एक संस्था बन जाती है। तो संस्था बना करके कृषि करना तो एक सहकारी कृषि कहलाएगी, और स्वेच्छा से एक समूह बना करके कृषि करना क्या कहलाएगा, भी सामूहिक कृषि कहलाती है। दोनों में बात बराबर है, इसमें अपने संसाधनों का वो मिलकर के प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें उनके संसाधनों से कुछ नहीं लेना देना, बस उनसे ज़मीन ले ली और अब अपने संसाधनों से उसका प्रयोग किया जाता है, वो संस्था अपने संसाधनों से उस वहाँ पर कृषि करती है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कृषि। अब अंतिम चरण में हमारे पास में बचा है खनन। तो खनन में क्या होता है, देखो भी आप मन देखो, अब वर्तमान में धीरे धीरे पहले मानव ने आखेट करना शुरू किया, आखेट के बाद में जब उसने आखेट करके वो
थकने लगा तो साथ साथ में उसने भोजन संग्रहण किया। भोजन संग्रहण करेगा और भोजन के बाद में अस्थाई कृषि, क्या किया अभी? अस्थाई कृषि की, अस्थाई कृषि के बाद में बाकी तो कृषि के प्रकार आ जाएंगे। उसके बाद उसने विकसित होता गया तो उसने क्या किया आगे? खनन किया। क्या किया अभी? खनन। खनन कब करेगा? स्थाई कृषि के बाद करेगा, स्थाई कृषि के बाद, स्थाई कृषि करेगा ना, उसके बाद ये खनन करेगा। भी कोई व्यक्ति है वो पहले आखेट करता था, फिर धीरे धीरे भोजन संग्रहण करने लगा, फिर धीरे धीरे वो पशुचारण। हाँ, एक बात अपनी रह गई यहाँ पे, क्या करेगा? पशुचारण, पशुचारण, तो पशुचारण करने लगा। पशुचारण किया तो साथ साथ में उसने अस्थाई कृषि की। अस्थाई कृषि के बाद में जब वो स्थाई कृषि करेगा तो स्थाई कृषि करेगा तो साथ में वो पशु पालन करेगा। क्या करेगा अभी? पशु पालन करना शुरू कर देगा। और स्थाई कृषि जब वो एक स्थान पर रह करके कृषि करने लगा तो फिर धीरे धीरे उसने जमीन के नीचे जाने का प्रयत्न किया, नीचे जाने का प्रयत्न किया यानी कि खनन करने की प्रक्रिया शुरू की। तो इस प्रकार से ये खनन करेगा और ये सारे हमारे जो सेक्टर हैं ये प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं सारी की सारी, जिसमें श्रम भरमार होता है, श्रम बहुत अधिक होता है लेकिन पूंजी बहुत कम मिलती है, किसके मुकाबले? द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर के मुकाबले। क्लियर? अब देखिए, मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। अलग अलग सभ्यताएं हम देखते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता की हम बात करते हैं। तो वो जो सभ्यताएं हैं वहाँ से जब हम खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कब मानव को तांबे के बारे में पता था, कांस्य के बारे में पता था और कब जाकर के उसको लोहे के बारे में पता चला। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने और हथियार बनाने में तक सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है। औद्योगिक क्रांति लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरुआत हुई थी इसकी, औद्योगिक क्रांति की, और इसका निरंतर महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए, खनन कार्य को की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली भौतिक कारक, अब भौतिक, और दूसरा है आर्थिक कारक। भौतिक कारक में क्या है? भौतिक जो प्रकृति हमें देगी वो है खनिज के निक्षेपण का आकार, भी खनिज कितने बड़े क्षेत्र पर पड़े हैं, उसकी श्रेणी क्या है, उसकी उपस्थिति की अवस्था कैसी है, वो कौन सी अवस्था में है। जैसे कोयले की हम बात करें तो कोयले के भंडार कितने बड़े हैं और कोयले की श्रेणी कौन सी है, क्या वो पीट कोयला है, क्या वो लिग्नाइट कोयला है, या बिटुमिन्स कोयला है, या एंथ्रेसाइट कोयला है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कोयला बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड उसका बढ़ता जाएगा, कोयले की क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये भौतिक कारक है, इस पर अपना कोई जोर नहीं चलेगा। फिर दूसरी बात कि हमारे पास में खनिज के भंडार भी बहुत अच्छे हैं, एंथ्रेसाइट उच्च क्वालिटी का कोयला भी है, भंडार भी बहुत बड़े हैं और उपस्थिति भी बहुत अधिक है उसकी, परंतु अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो फिर हम खनन क्यों करेंगे। इसीलिए आर्थिक कारक भी जरूरी हैं, खनिज की मांग, उसकी डिमांड क्या है, विद्यमान तकनीक, तकनीकी का ज्ञान, उसको निकालने के लिए हमारे पास में तकनीक है कि नहीं है। जैसे हीरा अब बहुत गहराई से निकलता है, अगर हमारे भले हीरे के भंडार हों बहुत सारे, परंतु अगर हमारे पास में हीरा निकालने की टेक्निक ही नहीं है तो उन भंडारों का क्या फ़ायदा आई बस में। अवसंचरण के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाले व्यय, ये सब क्या होते हैं? खनन पर प्रभाव डालते हैं कि आपके पास जमीन है, जमीन के नीचे ग्रेनाइट है, लेकिन परंतु समस्या ये है कि राजनीतिक कारण की वजह से आपको उस जगह की वो ठेका ही नहीं मिल रहा, आपको निकालने की अनुमति ही नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे निकाल करके? निकाल ही नहीं सकते, तो भले आपके पास में भंडार क्यों ना पड़े हो। तो इसीलिए आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक कारक जो है वो भी प्रभाव डालते हैं खनन की प्रक्रिया पर। फिर आता है खनन की विधियाँ, तो खनन की विधियाँ कैसी रहेंगी भी? या तो खुदाई करके करेंगे अपन, कि जगह को खोदेंगे, खोद करके खाने बनेंगे, खानों से निकालेंगे अपन, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, कोई भी खनिज है निकालेंगे, या फिर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग करके आपने देखा होगा जैसे ऑयल गैस वगैरह होती है, ये सब कैसे निकाली जाती है? ड्रिलिंग करके निकाली जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में दो तीन तरीके होते हैं। उपस्थिति की अवस्था, अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन।
धरातली खनन को विस्तृत विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपाय एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च की अपेक्षा निश्चित क्या होता है, खर्च होता है। अभी क्या लिखा गया यहाँ पे, हाँ, अपेक्षाकृत निम्न और कम खर्चा होता है, उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होते हैं तो उसे हम भूमिगत या कूपकी खनन विधि का प्रयोग करते हैं। अब धरातलीय क्या समझिए आप, धरातलीय का मतलब है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में वो धरातल के ऊपर जो भी खनिज तत्व थे वो बाहर आ गए। अब बाहर अपने आप आ चुके हैं तो हमें तो ना तो श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, ना टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी भी कम लगेगी, अपने आप उत्पादन जो है खनिज वो बाहर आ गया। परंतु जब वो गहराई के नीचे होता है, धरातल के नीचे होता है, तो हम उसे भूमिगत खनन कहते हैं। तो भूमिगत खनिजों के लिए खनन की जो प्रक्रिया वो कूपिक प्रक्रिया होती है। इस विधि में लंबवत कूप गहराई तक स्थित है, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली होती हैं। मतलब सबसे पहले हम एक लंबवत कुआं खोदेंगे नीचे, कूप यानी कुआं खोदा जाएगा, और कुएं के बाद में फिर अलग अलग साइड में दिशाओं में टनल्स सुरंग खोदी जाएगी, और सुरंग में से फिर उस प्रकार से खाने आगे जाकर के खाने बनेगी, पता चलेगा खानों के बारे में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी की पूरी ज़मीन को ही उखाड़ दें और फिर जाएं नीचे, नहीं। तो हमें क्या है, एक छोटे से मार्ग से नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाकर के हमें जो है क्षितिज उसकी खनन करना पड़ेगा, क्षितिज सुरंग बनानी पड़ेगी। इन मार्गों से होकर के खनिजों का निष्कर्षण परिवहन धरातल पर किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खान ढह जाए, अगर खान ढह जाएगी तो जो श्रमिक है वो नीचे के नीचे ही दब करके मर जाएंगे, इसीलिए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें रिस्क बहुत अधिक होता है, रिस्क अधिक होगा तो इसमें श्रम बहुत महंगा मिलेगा तो पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। वैदिक बर्मा माल ढोने की गाड़ियाँ, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब नीचे क्या, नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भी वायु संचार की प्रणालियाँ आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई दुर्घटनाएं होने का इसकी संभावना रहती है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो खनन वाली प्रक्रिया को छोड़ रहे हैं, वो ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि मशीनों से जितना हो सकता है निकाला जाए, श्रमिकों को नीचे ना भेजा जाए, क्योंकि वो ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं कर सकते, और श्रमिक जो होते हैं वो तो फिर हाथों से काम करेंगे तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ही। अब विकसित देश हैं तो विकसित वालों के पास इतना समय होता ही नहीं है, इसीलिए वो अपनी गति, जिस गति से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो इन बातों को जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति, अब विकासशील देशों में क्या होती है, श्रम शक्ति बहुत अधिक होती है। आपको बताया था मैंने, विकासशील देशों में युवा जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर का जो डिफरेंस मैंने आपको वहाँ जनांकीय संक्रमण में बताया था उसके आधार पर। विकसित देशों में क्या होती है, वृद्ध जनसंख्या बहुत अधिक होती है, और अविकसित देशों के अंदर बाल जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो इसीलिए वो देश अविकसित होते हैं। अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य जो है को महत्व दिया जाता है। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश, एशिया में आय के साधनों का 50% तक तो खनन कार्य से प्राप्त किया जाता है। क्लियर, इस प्रकार से ये हमारे पास में जो है खनिज खनन का टॉपिक जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें इसके पूरे के पूरे विस्तार को, एक बार हम वापस से पढ़ना चाहें कि भी हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा उत्पादन के बारे में देखा था, तो आइए चलिए एक बार हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो नंबर स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम अगर बात करें सबसे पहले आखेट के बारे में कि भी आखेट करने वाला जो क्षेत्र है हमारे पास वो कौन सा था, तो आखेट करने वाला जो क्षेत्र रहेगा ना वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहेगा।
ये हमारे पास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पर घने जंगल है, घने वन है, यहाँ पर आखेट किया जाएगा। यहाँ आखेट होगा, भोजन संग्रहण होगा और उसके बाद में स्थानांतरण कृषि का भी क्षेत्र यही रहेगा। स्थानांतरण कृषि, इसी क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि की जाती है। इसके अलावा स्थानांतरण कृषि का और भी इसके अलावा जो स्थान है वो हमें स्थान मिलेगा, कौन सा? ये स्थानांतरण कृषि का स्थान मिलेगा मेक्सिको और यूएसए के अंदर, यहाँ पर भारत में, मलेशिया, वियतनाम, इन सब देशों के अंदर हमें स्थानांतरण कृषि के बारे में देखने को मिलेगा। फिर हम यदि बात करें गहन कृषि की, कि गहन कृषि हमें कहाँ पर मिलेगी, तो गहन कृषि का क्षेत्र मैं आपको बता देता हूँ कि गहन कृषि वो इस क्षेत्र में है। ये क्षेत्र जो है ना, ये गहन कृषि का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? गहन कृषि का। अब गहन कृषि का क्षेत्र क्यों है अभी, तो एक मिनट देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा सारा क्षेत्र कौन सा है? गहन कृषि। क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से यहाँ खेत के टुकड़े बहुत अधिक हो गए हैं। टुकड़े अधिक होने की वजह से अब उस पर निर्भर जो जनसंख्या है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तो ये गहन कृषि का क्षेत्र है पूरा का पूरा, दक्षिणी पूर्वी एशिया गहन कृषि का क्षेत्र। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं कि वाणिज्य कृषि का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि हमारे पास में अगर हम बात करें अनाज, विस्तृत अनाज कृषि कहाँ पर होगी, तो वो होगी शीतोष्ण कटिबंधीय। कहाँ पर भी? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में होगी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर हैं? 66.5 डिग्री के आसपास, 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी स्टेपीज, ये स्टेपीज कहलाते हैं। अब यहाँ पर कनाडा और यूएसए के अंदर जो घास के मैदान है इसे कहते हैं प्रेरी, प्रेरी घास के मैदान है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के अंदर, अब देखिए यहाँ पर भी वही स्थान आ गया अपना, मकर रेखा के नीचे वाला एरिया, ठीक है। ये मकर रेखा के नीचे का जो एरिया है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास, यहाँ पर घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। यहाँ पर क्या कहते हैं अभी? डाउन्स। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? डाउन्स। और यहाँ पे कौन सा है? वेल्ड। और यहाँ पे कौन सा है? कैंटबरी, कैंटबरी। इस प्रकार से देखना, ठीक है। डाउन्स जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? डाउन्स मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे डाउन्स। और यहाँ पे कौन सा है? वेल्ड्स। ये देख लेना एक बार, वेल्ड्स, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास में कौन सा आ गया? विस्तृत अनाज कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, ये अनाज कृषि है। और फिर आपसे पूछा जाए कि स्थानांतरण कृषि, तो स्थानांतरण कृषि मैंने यहाँ पे आपको बता दी पहले, ये जो हमारे पास में येलो पोर्शन है ये सारा स्थानांतरण कृषि का है। फिर आपसे पूछा जाए पशुचारण, तो पशुचारण का क्षेत्र भी, पशुचारण का क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थल जो है वो पशुचारण का क्षेत्र कहलाएंगे। कैसे? देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ, कलर चेंज करते हैं अपन ये वाला। अब देखिए किस क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो मध्य है यहाँ पे अफ्रीका से लेकर, उत्तरी अफ्रीका से लेकर के ये अरब के मरुस्थल से होता हुआ गोबी मरुस्थल तक का जो ये क्षेत्र है, ये सारा का सारा कौन सा है? पशुचारण का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा पशुचारण। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी पशुचारण होता है। पशुपालन की यदि हम बात करें कि पशुपालन देखा जाए, या फिर पहले बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग कहाँ होती है? पशुपालन या तो मिश्रित कृषि हो जाएगी, तो वो इसी क्षेत्र में रहेगी। ये गहन जो कृषि है इस क्षेत्र के अंदर ही हमें क्या मिलेगा? पशुपालन भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में क्षेत्र है कौन सा? यूरोप के पश्चिम का, यूरोप के उत्तर पश्चिम वाला इलाका है ये हमारे पास में, डेनमार्क है, यहाँ पर डेनमार्क है। तो ये इलाका पूरा का पूरा डेयरी फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लियर। इस प्रकार से मैंने लगभग आपको सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं, पिछली क्लास में भी साथ के साथ में भी बताए थे। तो एक अच्छा सा मानचित्र आप तैयार कर लें, एक मानचित्र ले लें और उसमें हर जगह अलग अलग जगह पर इसको डार्क कर लें, कि आपको वाणिज्य कृषि पूछा जाए तो आपको कौन सा एरिया डार्क करना है, आपको घुमक्कड़ पशुचारण के बारे में पूछा जाए तो कौन सा एरिया आपको डार्क करना है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये हमारा फोर्थ लेसन जो है वो कम्प्लीट होता है, ये फोर्थ लेसन है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।